हेलो एवरीवन, दिस इज अ वन पैराग्राफ। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा एकल परिवार है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुखराम है। वह एक सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हैं। मेरी माता जी का नाम श्रीमती बुधवरिया है। वह एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। मेरा एक भाई और एक बहन है। मेरे भाई का नाम चमनलाल है। वह कॉलेज जाता है और मेरी बहन का नाम प्रेमलता है। वह स्कूल जाती है। तो चलो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट देखते हैं। यदि इस पैराग्राफ का हमें नाम देना हो तो ऑब्वियसली माय फैमिली ही देंगे। मेरा एकल परिवार है। एकल परिवार में सेपरेट फैमिली। आई हैव अ सेपरेट फैमिली। आई हैव सेपरेट फैमिली। मेरे पिताजी का नाम श्री सुखराम है। मेरे पिताजी मतलब माय फादर। पिताजी का वर्ड आया है, इसलिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज किए हैं। हम स्पोकन क्लास में ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, एपोस्ट्रॉफी के रूल। माय फादर्स नेम इज मिस्टर सुखराम। माय फादर्स नेम इज मिस्टर सुखराम। वह एक सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हैं। वह है, मेल है, इसलिए हम ही यूज करेंगे। ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। मेरी माता जी का नाम श्रीमती बुधवरिया है। माई मदर्स नेम इज मिसेस बुधवरिया। माई मदर्स नेम इज मिसेस बुधवरिया। वह सरकारी अस्पताल में नर्स है। फीमेल है, इसलिए हम सी का यूज करेंगे। सी इज अ नर्स इन सिटी हॉस्पिटल। सी इज अ नर्स इन सिटी हॉस्पिटल। मेरा एक भाई और एक बहन है। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। यदि एक भाई है तो अ ब्रदर और एक बहन है तो अ सिस्टर। वन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि दो हैं तो टू ब्रदर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही है तो इससे हम अ आर्टिकल यूज करके ब्रदर लिख सकते हैं। इसलिए मेरा एक भाई और एक बहन है तो आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर लिखेंगे। मेरे भाई का नाम चमनलाल है। माई ब्रदर्स नेम इज चमनलाल। माई ब्रदर्स नेम इज चमनलाल। वह कॉलेज जाता है। ही गोज टू कॉलेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही गोज टू कॉलेज। और मेरी बहन का नाम प्रेमलता है। एंड माई सिस्टर नेम इज प्रेमलता। एंड माई सिस्टर्स नेम इज प्रेमलता। वह स्कूल जाती है। सी गोज टू स्कूल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह स्कूल जाती है, इसलिए सी के साथ हम यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यूज किए हैं गोज। सी गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल।